हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसकी स्पीकर में प्रॉब्लम है, आवाज़ इसकी क्लियर नहीं आ रही है और थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, ये सोनी कंपनी का है, बहुत ही लुक इसका अच्छा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये बॉल की तरह है। यहाँ पे देखिए इसका मॉडल देखिए, और यहाँ पे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और एयरफोन है। यहाँ पे आप एयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडियो के लिए है, और यहाँ पे इसको चार्ज में लगा सकते हैं, चार्जर से, किसी भी चार्जर से लग जाएगा मोबाइल चार्ज। और यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस का लोगो दिया हुआ है, VOL वॉल्यूम का है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का है बटन, ये यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑन और ऑफ, यहाँ पे यहाँ से चालू बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खोलने का कुछ इस तरीके से है, चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हम रिपेयरिंग का ही वीडियो लाते रहते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों, हमें इसको ओपन करना है, खोलना है। तो यहाँ पे खोलने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे खुलेगा। तो हम यहाँ पर इसका प्रॉब्लम जान लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें लाइट तो आ रही है, देखिए यहाँ पर लाइट भी आ रही है और यह चल भी रही है, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आने का कारण यह है कि यहाँ से देखिए पूरा स्पीकर जो है पूरा अच्छे तरह से फट चुका है। तो इसे हम स्पीकर को ही रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम नया स्पीकर इसको ले नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में इसका स्पीकर खोजना मुश्किल है। तो चलिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू दिया हुआ है, तो हमें पहले एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर स्क्रू खोल लेते हैं। इसका निकालने के बाद हमें थोड़ा इसको ऊपर ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि इसका स्पीकर जो है जो चारों तरफ का यह पूरा ये फट चुका है। यहाँ पे देखिए इसमें इसी को हमको रिपेयर करना है, तो हमारा आवाज़ भी क्लियर में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। तो हमें रिपेयर करने के लिए, स्पीकर रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आराम से इसको ऊपर निकाल लेना है। देखिए अब निकलने के बाद हम इसमें, क्योंकि हमारे पास इतना छोटा साइज का तो पर्दा मिलेगा नहीं स्पीकर का, तो हम क्या करेंगे, कोई और दूसरा ही इसमें पर्दा लगाएंगे पूरा ये कवर करके। तो चलिए हम इसमें पर्दा लगा लेते हैं। अब हम इसको निकालेंगे दोस्तों, ये काला वाला जो है इसको हम निकाल लेते हैं। आराम आराम से निकलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़ा आराम आराम से करके इसको निकाल लेना है। जैसा कि ये हमने निकाल लिया है बाहर, अब 1, 2, 3, 4 ये यहीं से खुलेंगे, 4 स्क्रू हमें निकाल लेना है। अब हमें स्क्रू निकाल लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है, और इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेस करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा स्क्रू ड्राइवर को ऊपर में प्रेस करना है, ऊपर की साइड प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा स्क्रू ड्राइवर को इसमें थोड़ा थोड़ा और प्रेस करना है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो चुका है, और ये सोनी का ब्लूटूथ स्पीकर को मिनी कैसे इसको ओपन करें। अब ओपन होने के बाद क्या करेंगे, स्पीकर हमको रिपेयर करना है, तो स्पीकर इसको खोल लेते हैं। स्क्रू निकाल लिया है, अब हमें इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा यही स्पीकर है जो कि इसमें पर्दा लगाना है पूरा, ये देखिए पूरा पर्दा फट चुका है। तो ये इसका तो हमारे पास सेम पर्दा तो नहीं आएगा, तो चलिए हम इसमें कुछ अलग दिमाग लगाते हैं कि इसको रिपेयर कैसे किया जाए। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले जो इसके पर्दे होते हैं चिपकाने के लिए दिया हुआ रहता है, तो हमको इसको इतना छोटा स्पीकर का पर्दा मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीकर की कॉइल के ऊपर जो बड़े वाले स्पीकर में लगाते हैं, तो उसका ही हम यूज करेंगे। तो इसका राउंड होल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैंची से बराबर कटिंग कर देंगे। हमें कुछ इस प्रकार से ये वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जितना इसका कॉइल होता है उतना ही इसमें हमें होल चाहिए बीच में, और पूरा राउंड में चाहिए। तो ये वाला देखिए ये होल शो आता है, उस कुछ इस प्रकार से हम ड्रिल से इसको आराम से करेंगे ऐसे। तो चलिए हम इससे MM के माप के इसमें बीच में होल कर लेते हैं, ये 2 MM हो गया, एक चौथा MM है।
तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है राउंड, और ज़्यादा भी बड़ा नहीं रखना है। थोड़ा सा इसमें हम ग्लू लगा देते हैं ये चिपकाने के लिए सोल्यूशन। थोड़ा सा इस तरफ बैक में भी लगा देना है ताकि ये चिपक जाए। तो बस हमें इसी प्रकार से अच्छे तरह से चिपका देना है। तो ये हमारा पर्दा हो गया। बस इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। उसको हम चेक भी करेंगे कि हमारा कैसा वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे अच्छे तरह से इसमें ग्लू लगा देना है। और इसके बाद ये ऊपर वाला जो रिंग हमने उतारा था ये भी साथ में ही सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से हमने ये लगा दिया है ग्लू, और अच्छे से चिपक गया। तो ये हमारा अच्छे से वर्क करना चालू कर देगा। हमें अब दोस्तों ये वाला जो आता है T7000 ये ब्लैक होता है, तो ये भी थोड़ा सा हमें लगा देना है। देखिए ये भी हमें थोड़ा थोड़ा लगा देना है ताकि इससे क्या होगा, ये काला ग्लू काला होता है, अच्छा दिखेगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। देखिए हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये हमारा कम्प्लीटली रेडी हो गया। इसको हम वापस इसमें कस लेते हैं। तो जैसा था वैसे ही हमको कस लेना है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग कर लेते हैं। जैसा था वैसे फिटिंग कर लेना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितना अच्छा से पर्दा लगा दिया। देखिए ऊपर नीचे अप डाउन भी करना चाहिए, ये कर रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है। चलिए इसको हम प्रेस करके लगा देते हैं। अब हमारा ये फाइनली हो गया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा हमारा अच्छे से सेटअप कर लिया है हमने। और चलिए हम इसको चला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि हमारे पास ये मोबाइल है तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ से देखिए यहाँ से ऑन कर लेना है हमको इसको, और थोड़ा सा इसको दबा के रखना है तो ये ब्लूटूथ हमारा सर्चिंग कर लेगा। ये कनेक्टेड हो गया हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है लेकिन कनेक्ट हो गया है। जैसे चलिए हम इसको चालू करके दिखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूरा अच्छा से ये वर्क कर रहा है। तो आप भी इसी प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने पर्दा लगाया, पहले ये आवाज़ नहीं आ रहा था इसका, अभी क्लियरली आवाज़ आ रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। फिर आपसे नए वीडियो मिलेंगे। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।